नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 और 35 ए को लेकर, तो क्या कुछ 35 ए को और 370 पर कार्यवाही हुई है, सुनवाई हुई है, क्या कुछ कहना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का, सीधे तौर पर रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे वरिष्ठ संवाददाता इश्वाक गौहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इश्वाक, सबसे पहले तो पूरी जानकारी जानना चाहूंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई। देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे, जो ऑलरेडी तहसीन पुनावाला और कुछ और लोगों की तरफ से जॉइंटली एक एप्लीकेशन गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी पॉलिटिकल लोग जिन्हें इसके बाद अरेस्ट किया गया है, जब से सरकार ने फैसला सुनाया कि 370 धारा जो है वो खत्म हो गई है, तो उसके बाद जो है सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की थी, तो उसको देखते हुए अब जो अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कहा कि रूटीन मैटर है, रूटीन प्रोसेस में चलेगा, लेकिन फिलहाल दो हफ्तों तक इस पर कोई फैसला जो है वो नहीं दिया गया है। सिर्फ डिटेल जो है वो मांगी गई है कि स्टेट से कि वो ये जरा डिटेल दे दे कि क्या है, किस तरीके से है और क्या कुछ सिचुएशन है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी सभी लोगों की तरफ से कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई डिसीजन देगा, लेकिन उन्होंने डिसीजन नहीं दे दिया, बल्कि सिर्फ ये कह दिया कि दो हफ्तों तक आप इंतजार कीजिए, दो हफ्ते के बाद दोबारा आइए। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार पलटवार कर रही है भाजपा पर, केंद्र सरकार पर, तो क्या उसी तरीके से हम अगर समझें कि ये याचिका यहाँ पर दायर की गई थी, क्योंकि अभी 370 और 35 से हटे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का एक अपना काम है, वो लगातार इस मुद्दे पर जो है अपना स्टैंड रखे हुए हैं। वो एक तरफ से नेशनल हुकअप को देख रहे हैं, दूसरी तरफ से स्टेट को देख रहे हैं, इसलिए उनके बयान जो है वो काफी विरोधाभासी बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरिट्स चलते हैं और वहां पर न तो किसी का जज्बा चलेगा और ना ही किसी की ऐसी दलील चलेगी जो संविधान से बाहर होगी। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जब मैटर पुटअप किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दो हफ्तों में आप देख लीजिए, जवाब दे दीजिए कि क्या कुछ सिचुएशन है, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इश्वाक पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस वक्त हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली से ही इश्वाक गौहर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है 370 और 35 ए को लेकर, और साफ तौर पर कहा गया कि अभी कोई इस पर बहस नहीं हो सकती है, कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है, दो हफ्तों का समय इस पर दिया गया है और उसके बाद बातचीत की जाएगी कि आखिर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे माहौल है, किस तरीके से इस वक्त जो सिचुएशन है वो बनी हुई है, क्योंकि 370 और 35 ए को यहां से हटा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अभी दो हफ्ते का समय जो है वो केंद्र सरकार को देना चाहिए कि कब तक वो नॉर्मल सब कुछ सही कर देंगे, पहले उन्हें समय दिया जाएगा, उसके बाद यहां पर फिर से याचिका जो है वो दायर की जाए या फिर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज पॉइंट लाइव।